हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आपका स्वागत करता हूं F1 टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू ऐप की। जी हां, गूगल ने अभी हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है निबर्ली। जी हां, इस ऐप का रिव्यू आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और करते हैं ऐप रिव्यू। मैप में जो गूगल के जो मैप्स होते हैं उसमें जो लोकल गाइड का जो ऑप्शन होता है, यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके पास क्या क्या है, उसमें हम क्वेश्चन अपने सबमिट करते थे और उसका आंसर हमें मिलता था। बस सेम उसी तरीके का ये भी ऐप है कि डायरेक्टली ऐप के थ्रू आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, चलिए हम इसको खुद से देखते हैं ट्राई करके। सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हमें लिखना है NEIGHBOURLY। ये ऐप यहाँ पे आ गई, इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए गूगल का जो है LLC इनका ये ऐप्स है। नीचे एक मैसेज है, दिस ऐप इज डेवलपमेंट बी वन ऑफ द ट्राई फर्स्ट टू फीडबैक, यानी कि ये मैं से फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो फीडबैक देने के लिए बोल रहे। चलिए इसे हम इंस्टॉल करते हैं। ये 4.54 MB का फाइल है, तो बहुत ही आसानी होगी आपको इंस्टॉल करने में। तो ये इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे देखिए अनरिलीज्ड ऐप इंस्टॉल, यानी कि अभी इसको रिलीज नहीं किया गया। चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए आस्क एन आंसर टू लोकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे फाइंड लोकल क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये देखिए ये जो मेरा लोकेशन है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, बेगमपुर जगह का नाम है यहाँ पे लोकेशन। ये मेरा प्रोफाइल हो गया। जी हाँ बिल्कुल, ये मेरा प्रोफाइल है। अभी मैंने प्रोफाइल वगैरह कुछ सेट नहीं किया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए बहादुरपुर एक जगह का नाम है, यहाँ पे पटना में है, मुझे पता है, पटना के लोगों को पता होगा। और रूमी, एक दिन पहले इन्होंने क्वेश्चन किया है, ये देखिए रूमी नाम है इनका, ये बहादुरपुर में रहते हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि कैन यू रिकमेंडेड ए जिम। इन्होंने क्वेश्चन किया है जिम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पटना का चिड़ियाघर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? रामपुर से अशोक जी ने कमेंट किया है, ये देखिए। तो ये जब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, नीचे देखिए यहाँ पे आस्क क्वेश्चन का भी है और आंसर का भी यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आप उनको आंसर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, पटना का सबसे पुराना मंदिर, पटना हटिया कहाँ से आ रही है, काली स्थान से इन्होंने पूछा है। अब देखिए यहाँ पे गूगल सजेस्ट कर रहा है कि हेल्प बाई नेबर, यानी कि आप उनकी मदद कीजिए आंसर के थ्रू। तो आंसर तो हम करेंगे बाद में, पहले देखते हैं। और बेस्ट पैलेस इन पटना, इन्होंने रानीपुर खिड़की से करण जी ने क्वेश्चन किया है, ये देखिए बेस्ट पैलेस इन पटना। और ये देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर दिया उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे, इन सभी लोगों ने इनको आंसर किया है। तो देख सकते हैं आप अपना आंसर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या था, बेस्ट पैलेस इन पटना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनको PATNA पटना जू रिकमेंड मैं कर देता हूँ, मैंने आंसर किया। और ये देखिए यहाँ पे सेंड हो रहा है और मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे सेंड हो चुका है। जी हाँ, मैंने जो आंसर किया था यहाँ पे देखिए ये मेरा आंसर है, मैंने इनको सेंड कर दिया है। तो गूगल ने ये जो ऐप लॉन्च किया है बहुत ही इजी है, काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे जॉब मिलेगा आप बता सकते हो हमको। विच मॉल इज बेस्ट इन पटना इन फैशन। तो ये ऐप जो है बहुत ही अच्छा ऐप मैं कहूँगा गूगल के द्वारा इन्होंने प्रोवाइड कराया है, तो ये ऐप आप यूज कीजिए।
और कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको ये ऐप और कैसा लगा इसका ये वीडियो। ओके, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये ऐप ढूंढने में अगर दिक्कत हो ना, तो आप एक बार गूगल प्ले स्टोर पर जाके ट्राई करो बीटा वर्जन, शायद वहाँ से आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।